दोस्तों आगे मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा दरवाजा है जो इस सभी दरवाजों को तोड़ सकता है, खोल सकता है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, यानी अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर बनने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं। 80% लोगों के वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। कारण क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपका भी इसमें से कोई एक दरवाजा है जो बंद है तो उसके खोलने की टेक्निक मैं दूंगा, जिससे आप भी अपने सफलता के रास्ते पर चल पाएंगे और पैसे को इकट्ठा कर पाएंगे। पहला कमी तो ये रह गया दोस्तों कि हमारा जन्म अमीर घर में नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम अमीर नहीं हो सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, हम कहते ना कई बार हम जन्म अमीर घर में तो नहीं लिए लेकिन अमीर बन जाएंगे। तो कैसे बन जाएंगे? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, नंबर दो, आपकी जो पढ़ाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है वो भी आपकी पूरी नहीं हो पाई। आपकी पढ़ाई भी सही नहीं हुई, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, एजुकेशन भी आपका ठीक ठाक नहीं हो पाया। आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए जिससे आपको कोई टॉप की नौकरी, कोई टॉप का जॉब मिल सके, जिससे आप लाखों रुपया अर्न कर सके, यानी कमा सके। तो ये भी रास्ता आपके सामने से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपके जो परिवार की कंडीशन है, इतना पैसा नहीं हो पाता कि आपको कोई डिग्री दिला सके। तीसरे दरवाजे की बात करते हैं। तीसरा दरवाजा कौन सा है जो बंद कर दिया गया? तो आगे का दरवाजा जो है, आपने जन्म अमीर घर में नहीं लिया तो अमीर नहीं हुए, आपने पढ़ाई नहीं किया तो बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगा, आपके पास पूंजी नहीं है। कोई पूंजी की बात करें, पूंजी का मतलब समझ रहे हो आप? पूंजी का मतलब ये होता है कि आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है कि आप कोई काम शुरू करें, कोई एजेंसी खरीद लें, कोई आप बढ़िया होलसेल की दुकान खोल लें, कोई फैक्ट्री लगा लें। इतने पैसे आपके पास सेप में नहीं है कि आप कोई और काम कर सके, या इतना बड़ा आप जमीन के जायदाद के आप मालिक नहीं है कि आप करोड़ों रुपया लगा के कोई ऐसा इनकम सोर्स तैयार करें जहाँ से आपको लाख रुपया आ सके। तो ऐसा भी आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देश के 80% लोगों का यही हाल है जो मैं बता रहा हूँ। 80%, 20% लोग ठीक ठाक हैं, 80% लोगों की, हो सकता है आप 80% वाले में होंगे। आगे चलते हैं, पूंजी भी आपके पास नहीं है। उसके बाद नंबर चार की बात कर लेते हैं। नंबर चार पर आता है शादी। कई बार क्या होता है ना कि हम शादी अमीर घर में कर लेंगे, अमीर घर में आपकी शादी नहीं होती है, करोड़पति के लड़की से आपकी शादी नहीं होगी, तो ये भी दरवाज़ा बंद है कि आप अचानक से अमीर बन जाओगे। वो भी दरवाज़ा आपके सामने से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप गरीब हो तो अमीर घर की लड़की कैसे आपको मिल सकती है। उसके आगे की मैं बात करता हूँ, नंबर पाँच। नंबर पाँच की बात करें तो आपके पास कोई नया स्किल नहीं है, नया हुनर, यहाँ मैं लिख देता हूँ हुनर, नया हुनर आपके पास नहीं है। आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नई खूबियां आपके अंदर नहीं है, कुछ आपने सीखा नहीं है, आप में कुछ अलग नहीं दिखता है, लोग आपको फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप किसी को कुछ सिखा बता नहीं सकते हैं, तो इससे भी आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल ज़िंदगी को जी रहे हैं, जैसे कल थे वैसे आज हैं। तो ये भी रास्ता बंद हो गया, क्योंकि आपके पास कोई नया हुनर, कोई नया टैलेंट नहीं है। और नंबर छः की बात करते हैं, तो नंबर छः पर आता है आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? समय। समय भी आपके पास नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी द्वारा कोई हुनर सीखना चाहते हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, जो कि वो समय भी आपके पास नहीं है। तो ये सारे दरवाजे हैं जो आपके सामने से बंद कर दिए गए हैं, और ये सारे दरवाजे को अगर खोलना है तो एक रास्ता है जो आपका सारा दरवाज़ा खुल सकता है। आपकी पढ़ाई सही नहीं हुई तो आप गरीब नहीं हो सकते, ऐसा आप सोच रहे हैं। आप अमीर घर में जन्म नहीं लिए तो आप अमीर नहीं हो सकते, ऐसा आप सोच रहे हैं। अमीर घर के लड़की से शादी आपका नहीं हुआ, आप अमीर नहीं हुए, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। आपके पास पैसा पूंजी नहीं है कि आप कोई लगा करके लाखों रुपया कमा सके, कोई बड़ा एजेंसी या फैक्ट्री खोल के, तो आप अमीर नहीं हो सकते, ऐसा आप सोच रहे हैं। आपके पास पर्याप्त समय भी नहीं बच पा रहा कि कोई और अलग काम सीखा जाए, किया जाए, उसमें कोई शुरुआत किया जाए तो हम अमीर हो सकते, ऐसा भी आपके पास नहीं है, यानी समय भी नहीं है। तो ये सभी दरवाजे आपके सामने से बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए हैं, जिससे क्या होगा कि जिंदगी भर मेहनत करोगे और दो रोटी का बंदोबस्त करोगे। मेहनत करके परिवार को चला सकते हो, परिवार को जिला सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनकी शादी विवाह कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। आप अपने देश में, अपने आसपास में, अपने समाज में आप देख सकते हैं, नजर घुमा करके एक बार देखिए, 80% लोगों के साथ यही होता है। जब घर में शादी पड़ती है तो कर्ज मांगना पड़ता, घर बनाना तो कर्ज मांगना पड़ता, कोई बीमार पड़ गया तो कर्ज मांगना पड़ता, यह है गरीबों की हालत। तो दोस्तों आपके पास एक अवसर है, एक ऑप्शन है, एक जरिया आपके सामने, अगर आप उसको करना चाहें, उस पर चलना चाहें, तो आप इसमें अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहां ना आपसे कोई पूछा जाता कि आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी जाति धर्म क्या है, आपका आपके अंदर वो काले हो कि गोरे हो, आप किस धर्म से, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, आपकी कोई डिग्री नहीं चाहिए यहां पे। बस एक चीज आप में होना चाहिए, कमिटमेंट, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए इसको करने का। था एक ऑप्शन आपके पास है जिसका नाम है RCM, RCM यानी MLM की बात करें, MLM
मल्टी लेवल मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप नई स्किल सीख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप यहां पे कोर्स लेकर के उससे भी सीख सकते हैं, एक नेटवर्क बना करके और बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग अपने देश में, भारत में इस चीज़ को कर रहे हैं और अपनी खुशियों को पा रहे हैं, अपने सपनों को जी रहे हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो आप उनको कॉल करके जरूर इसकी जानकारी डिटेल में लें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बटन दबा करके, और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, इसमें से कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी, इसमें से कौन सी चीज आपके पास है और कौन सा नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप इस पर जाइए, इस वीडियो पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। बहुत सारी जानकारी मैं यहां पर दिया हूं कि ऐप्स को कैसे चलाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नमस्कार। जय हिंद।